इसलिए लड़ेंगे और शून्य पर। तो कुल मिलाकर बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जो स्थिति 2014 में थी वही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बीएसपी शून्य पर सिमट रही है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की जीत हो गई है। बड़ी खबर, गाजीपुर से अफजाल अंसारी के यहां पर जीत हुई है। मुकाबला परसनाथ राय से था। एक साफ सुथरी छवि लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन फिलहाल अफजाल अंसारी से उनको हार का सामना करना पड़ा है। उनकी शिकस्त हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी की तरफ से, अंसारी परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि एक सहानुभूति का माहौल है और इस सीट पर एक बार फिर से हमारी जीत होगी। अफजाल अंसारी जो कि 2019 का चुनाव बीएसपी के सिंबल पर लड़े थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने और तकरीबन 1,00,000 वोटों से अफजाल अंसारी ने परसनाथ राय को यहां पर हरा दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए तस्वीरें क्लियर होती जा रही है। अफजाल की जीत 1,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई है और हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप भाटी जी एसपी स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है और हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी भी हैं। समाजवादी पार्टी का रुख पहले कर लेती हूँ। अब आप कम से कम बीएसपी के लिए तो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है? देखिए कि किसी की बी टीम का कहना, वो आप सारी चीज़ें आपके सामने हैं। किसने किसको कब किसके समय समर्थन दिया और कैसे प्रत्यक्ष रूप से दिया, वो तो जनता के सामने था और उसी का रिजल्ट ये भी रहा कि जो अभी जनता ने उसका जवाब वोट के रूप में दिया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं जो वीरेंद्र जी कह रहे थे उससे थोड़ी सी असहमति मेरी ये है कि हम अभी भी वोट शेयर के मामले में काफ़ी आगे, क्योंकि हमारा जो वोट शेयर दिखाया गया है वो हम लगभग 62 सीटों पे चुनाव लड़े हैं और बाकी हमारे समर्थक हमारे अलायंस के पार्टनर्स लड़े हैं। तो जो हमारा वोट शेयर है वो उन 62 सीटों का, अगर उसको जोड़ेंगे तो हमने 2022 से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया वोट शेयर में भी और 2019 से तो हमने अपनी सीट्स इतनी आगे बढ़ी। उसके अलावा अभी 14 सीटें जिसपे अभी चुनाव चल रहा है, 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत थिन मार्जिन है, उसमें समाजवादी पार्टी के फेवर में बहुत थिन मार्जिन है। अंतिम परिणाम आने तक आप इंतजार करेंगे, ठीक बात है। आलोक जी को भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी आलोक अवस्थी जी, 80 में 80 को लेकर लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया की जीत हो गई है। बाराबंकी से तनुज पुनिया जीत गए हैं। 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और तनुज पुनिया यानी पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी उसी में से एक सीट बाराबंकी जिस पर अब कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई। जी आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी पहला रिएक्शन तो आपका इसी पर चाहेंगे, जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कहीं भी आप लोगों को ये अंदाजा था कि ऐसा हो सकेगा? अंबेडकर नगर से भी बड़ी खबर, वहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लालजी वर्मा जीत गए। जी बोलिए आलोक जी। देखिए उत्तर प्रदेश के नतीजे निश्चित रूप से जो है हमारे लिए एक शोध का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है, और निश्चित रूप से हम अभी इस पर बैठेंगे, हमारे नेता चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हमारे एनडीए का बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जितने सीटें इस समय दे रहे हैं वो कुल मिला के एनडीए अलायंस के जो सारे दल उन सबके वोट उन सबके सीटों से बहुत आगे है। हमारा वोट शेयर अगर खाली यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी हमारा वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी से लगभग 10%। अभी वोट शेयर को रहने दीजिए आलोक जी, उसका आप एनालिसिस बाद में करिएगा। मेरा सवाल यह था कि 80 में 80 जीतने का लक्ष्य लेकर आप आगे चले थे और आधे पर सिमट रहे हैं, 39 सीटों पर सिमट रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सीटें वीवीआईपी सीटें आपके बड़े चेहरे चुनाव में हार गए। आप जाहिर सी बात है कि इसका आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि प्रत्याशियों के चयन में क्या कहीं ना कहीं चूक हो गई आपसे। मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं, मुजफ्फरनगर से और देवरिया से भी आ रही है। देवरिया से बीजेपी की जीत हो गई है। शशांक मणि त्रिपाठी यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, प्रत्याशी यहां पर बदला गया और बीजेपी ने सीट जीत ली है। देवरिया में कमल खिल गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी देवरिया और बलरामपुर गोंडा ये वो तमाम इलाके थे जहां पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो देवरिया में कमोबेश ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी की जीत होगी और वही हुई, शशांक मणि त्रिपाठी की यहां पर जीत हो गई है। आलोक जी मेरा सवाल यही था, क्या प्रत्याशियों के चयन में थोड़ी सी चूक हो गई? संजीव बालियान की हार की खबर आ रही है, बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हार की खबर है।
हार का अंतर कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर पहले तक तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब उनकी हार की खबर आ रही है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, उनकी भी हार हुई है। संगीत सोम से जो बगझक हुई थी और जो यहां पर एक लड़ाई देखने को मिली थी, और अब देख लीजिए नतीजे जो सामने आए हैं। तो संजीव बालियान की हार की खबर है। बहुत कोशिश हुई थी कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स वहां पर जाकर बीजेपी के तमाम नेताओं को एकमत एकजुट कर लें, लेकिन लगता है कि खामियाजा उस लड़ाई का भुगतना पड़ा है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को। और पिछली बार भी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था इनका, तकरीबन 5000 वोटों से संजीव बालियान जीते थे। और अभी तक जो अपडेट हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तकरीबन 11000 वोटों से वो हारे हैं। मतलब इस बार भी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी फाइनल फिगर अभी हम थोड़ी देर में रखेंगे। जी आलोक जी, आपका रिएक्शन। जहां तक कि आपका सवाल था, गोत्रा परिषद में प्रत्याशियों के चयन में क्या कोई गलती हुई है क्या, मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को ठीक से लड़ाया था। सभी मुद्दों को हमने जनता के बीच में रखा। नैरेटिव कुछ दलों ने सेट करने का प्रयास किया है, लेकिन वो हमसे हमको हिला नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो चलेंगी, हमने जो अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर विश्व में लाने का वादा किया वो हम करेंगे, साथ ही साथ जो हमने गरीबों को मकान देने के लिए कहा वो भी करेंगे। जी आलोक जी, निसंदेह कि यहाँ पर फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट बनती दिख रही है, लेकिन जिस मोदी गवर्नमेंट की बात हमेशा होती रहती है, क्या आपको ये वही मोदी गवर्नमेंट दिखेगी जो बड़े फैसले की बात होती है? प्रधानमंत्री ने कल भी एक्सपर्ट ट्वीट किया था कि बड़े फैसले लेने होते हैं, बड़ा काम करने के लिए कठोर फैसले लेने होते हैं, क्या ये वो मैंडेट है? देखिए, निश्चित रूप से जो मुखिया होता है सरकार का, उसकी विल पावर पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। पहले हम डिस्टिंक्शन से पास होते थे, इस बार हम जो है डिस्टिंक्शन से थोड़ा सा कम रह गए हैं, लेकिन हम पास हुए हैं और सबसे नंबर वन क्लास में आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर है, महेश शर्मा की यहाँ पर जीत हो गई है और बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे थे, तकरीबन 5 लाख वोटों से यहाँ पर वो आगे चल रहे थे। देखना होगा कि हार जीत का अंतर क्या रहा, लेकिन महेश शर्मा जो कि 2014 में भी गौतम बुद्ध नगर से जीते, 2019 में भी जीते, 2024 में भी उन्होंने जीत दर्ज करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी है और बहुत बड़े मार्जिन से संभवतः उन्होंने चुनाव जीता है। जैसे वो नंबर्स आते हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं ये कह रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा आलोक जी एक अकेला सब पे भारी वो अहंकार वाली भाषा भूल के अब एनडीए सबको साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विनम्रता चाहती है, अहंकार नहीं, असत्य नहीं चाहती, सत्य चाहती है, और झूठे जुमले और वादे नहीं चाहती, सच्चा इरादा चाहती है। वो उन्होंने माननीय अखिलेश जी के रूप में देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत साफ क्लियर मैंडेट दिया है और आगे आगे जैसे जैसे ये नतीजों में बदलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी की तरफ आप झुकाव देखेंगे। तो इस तरह से जो वादे और उन वादों में बड़े बड़े वादों वादे नहीं किए, आलोक जी कह रहे थे बड़े बड़े काम करने, आप भी कह रहे थे बड़े बड़े झूठ बोलने हैं, एक भी 40 मेरे पास 42 ऐसे बड़े वादे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 14 और 19 के चुनाव में भुनाया। करा कुछ नहीं, पेपर लीक करें यहाँ पे, यहाँ भर्ती घोटाले करें यहाँ पे, बच्चों को वो इको गार्डन में बैठा के दो दो साल परेशान करा, उनको हक नहीं दिया, शोषित वंचितों का हक मारा, ये सब जो काम किए ये बड़े बड़े झूठ हैं इनके, ये वादे नहीं हैं। और अब बेनकाब ये हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले समय में आप देखेंगे ये हो सकता है कुछ महीनों में आपको उत्तर प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की देखने को ना मिले। देखिए, मैं इनके एक बात का, मैं वोट शेयर की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि सपा का वोट कम है, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और सपा का वोट में इतना जंप हुआ है जिसको हम कहते हैं ना 19% बढ़ गया है, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट 8% घटा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि सपा कॉम्बिनेशन का वोट घटा है। ठीक है, वीरेंद्र जी, यूपी की तो हम बात कर ही रहे, एक बार फिर ओवरऑल भारत पर आप जरा नजर डालिए और बताइए कि पूरे भारत में 295 पे एनडीए इस वक्त अगर आगे चलती हुई दिख रही है, एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है, तो कहां कहां किस पॉकेट में नुकसान और कहां संभलता हुआ दिख रहा है? बढ़त तो नहीं दिख रही बहुत ज्यादा कहीं पर भी, संभाला किस पॉकेट ने? जी मैं माफी करिए, माफ कीजिएगा, वीरेंद्र जी। हाँ, देखिए, सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं यूपी, कहां 64 और कहां 33, ऑलमोस्ट हाफ, राजस्थान
24 सीट 14 पर आ गए, कर्नाटक 25 सीट 16 पे आ गए, महाराष्ट्र 23 सीट अकेले, इतना जोड़ा घट के आगे कहां 18 पे जोड़ के, एनसीपी अजीत पवार एक सीट मिला उनको, उसके बाद 6 सीट पर हैं एकनाथ शिंदे, जबकि पिछली बार सिर्फ शिवसेना और बीजेपी का अकेले दोनों मिलके 41 सीट था, 23 सीट मिला था महाराष्ट्र में जी बीजेपी को और 18 सीट। मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, रुचि वीरा की यहां पर जीत हो गई है, कई बार यहां पर प्रत्याशी बदले गए और आखिर में गठबंधन प्रत्याशी बनी रुचि वीरा, उनकी जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी का देहांत यहां पर हो गया था वोटिंग के बाद, जिसके बाद एग्जिट पोल में मुरादाबाद सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जा रही थी और लग रहा था कि यहां पर बाय इलेक्शन होगा, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया है तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा की मुरादाबाद सीट पर जीत हो गई है। वीरेन जी अपनी बात पूरी करिए। और जहां तक बीजेपी को बचाया है वो कौन सा राज्य है? हाँ। मध्य प्रदेश 29 का 29, छत्तीसगढ़ 11 में से 10, उड़ीसा जी, बिहार, ये वो राज्य है। और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा दक्षिण भारत का, बिहार में नीतीश जी का साथ आना फायदा कर गया। बिल्कुल, लोग कह रहे थे कि नीतीश को लाके क्या होगा, लेकिन एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होता है और वो हुआ। और यदि दक्षिण भारत का देखें आप तो केरल में बीजेपी का खाता खुल रहा है, सुरेश जीत रहे हैं। उसके बाद तेलंगाना में जहां पर 4 सीटें थी 8 हो रहा है, हां कर्नाटक में नुकसान हुआ है, आंध्र प्रदेश में इनको मिला के लगभग सोचिए 21 सीट मिल रहा, तो कुल मिला के आज भी उन्होंने कहा कि 300 पार जाएंगे, तो निश्चित रूप से ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जब कांग्रेस को हार का ठीकड़ा कहीं फोड़ना होता है तो ईवीएम उन्हें याद आती है। सब तरफ से यह सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम से अच्छा निर्वाचन पद्धति के लिए कोई और मशीन नहीं है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी, भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर गौरव होना चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर, और आसानी से हमारे यहाँ कुल मिला के चुनाव होते हैं और चुनाव परिणाम आते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, इससे अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण और कहाँ दुनिया में देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से हम लक्ष्य तय किए थे लेकिन लक्ष्य तक कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भी सरकार बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी दिल्ली के अंदर। नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से कौन क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। तो नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली रवाना होंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर सामने आ रही है, फाइनल नतीजों के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज रात दिल्ली पहुंचेंगे, इंडिया ब्लॉक आगे की रणनीति तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनडीए फिलहाल पूर्ण बहुमत से कहीं आगे है, लिहाजा पीएम मोदी के नेतृत्व में ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अखिलेश यादव जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसके बाद दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। और अखिलेश यादव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर भी लगा दिया था कि आने वाले प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, इस तरह के पोस्टर लगे थे आज लखनऊ में। और अखिलेश यादव आने वाले हैं दिल्ली। अखिलेश यादव जो अभी तक की तस्वीर है उसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इस बीच आईएनडीए का रुख समझ में आएगा। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो सुन। मंत्री बनेंगे मोदी, यही देश की आवाज थी, अब आ गए मोदी, जीत गए मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे मोदी, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई छोटी बात नहीं। भारत जैसे महान देश के महान नेता नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष को कुछ सीटें मिल गई तो विपक्ष की भूमिका निभाएं वो जी। क्योंकि पहले तो विपक्ष का दर्जा लायक भी सीटें नहीं थी, अब कुछ सीटें उनको मिल गई हैं।
तो शहनवाज हुसैन का कहना है कि विपक्ष को कुछ सीटें इस बार मिली हैं, सम्मानजनक सीटें मिली हैं, तो विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है। बड़ी खबर यह कि अखिलेश यादव आज रात दिल्ली पहुंचेंगे। उनके दिल्ली पहुंचने के मायने क्या है वो समझने वाली बात होगी, और यही बताने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं आज रात, क्या लेकर जा रहे हैं मन में? देखिए, साफ तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में नतीजे हैं और समाजवादी पार्टी के जो आशा थी उसके अनुरूप ही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोलेशन में बातचीत के लिए, जो इंडिया ब्लॉक है उसमें बातचीत के लिए जाने की तैयारी है। अपने अधीनस्थों को बात कह दी गई है कि सब तैयारियां कर ली जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में आखिरी दौर का मतदान क्योंकि चल रहा है, कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी का मानना है कि सीट फंसी हुई है, जीत हार का फैसला बहुत कम वोटों से अंतर से होना है, तो ऐसे में अभी फिलहाल वो लखनऊ में ही अपने आवास पर, और लगातार निर्वाचन आयोग और डीएम से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी, अगर ये सिलसिला 9 बजे रात तक चलता है तो शायद उनका जाना मुश्किल हो, लेकिन अगर ये तमाम चीजें फैसले और पहले थोड़ा हो जाते हैं 8 बजे रात तक तो दिल्ली के लिए रवाना भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ तैयार रहने के लिए अपने अधीनस्थों को और लोगों को तैयार रहने के लिए, और जो नतीजे आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के खेमे को उत्साहित करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इन नतीजों का श्रेय लेने की भी अब होड़ होगी गठबंधन के दलों में।